में ना एलिमेंट, एलिमेंट आप समझते हैं क्या होता है। द टर्म एलिमेंट वॉज फर्स्ट बाय रॉबर्ट बॉयले इन 1661। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यह मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, एलिमेंट। एंड देयर फोर कैनॉट बी स्प्लिट इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता है। इट कैनॉट बी स्प्लिट इंटू सिमिलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। एलिमेंट जो होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से। एग्जाम्पल्स सोडियम, सोडियम जैसे कि एलिमेंट भी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर ऑल क्या, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। एन ए सोडियम, एफ ई आयरन, एच जी मरकरी, इट इज, दीज आर योर एलिमेंट। देयर आर 118 एलिमेंट नाउन एट प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 98 ऑकर इन नेचर। 118 एलिमेंट होते हैं जो कि उनमें से 98 ऑकर इन अवर नेचर, 98 हमारे नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, वाइल द रिमेनिंग एलिमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। सो नाउ ये तो रहा एलिमेंट। देन आगे बात करें, वेट, एक्चुअली जस्ट वेट, मैंने आपको एक चीज़ तो बताया ही नहीं जो मैं स्किप कर गया थोड़ा सा, सो जस्ट वेट। या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डेंसिटी, व्हाट्स डेंसिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव हैवीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स अ यूनिट जी वाई एम एल। एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम वाइल इट्स स्पेस वॉल्यूम इज मिनिमम। गैसेस पॉजेसिस वेरी लो डेंसिटी, गैसेस काफ़ी वेरी लो डेंसिटी में होती। कंप्रेशन, गैसेस आर मोर कंप्रेसेबल, जो गैस होती है उसको हम कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि यू नो कंटेनर में बन नहीं रही होगी तब भी भाई कंप्रेस कर करके उसमें फिट करा ही देते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, क्योंकि उनमें जो मतलब जो मैंने बताया था, ये फिज़िकल जो होता है ना, लाइक सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ है तो उसके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन उनके बीच में क्या है, काफ़ी लेस होता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं, तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इनकी कम रहती है स्पेस, वाइल सॉलिड एटलीस्ट कंप्रेसेबल, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये गैस है तो गैस को कितना भी कंप्रेस किया जा सकता है, लूज बॉन्डेड होते हैं ये, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड लाइज इन बिटवीन ऑफ द टू अदर स्टेट। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड बट मैक्सिमम इन द केस गैस ऑफ गैसेस, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड बट मिनिमम इन गैसेस। सॉलिड के अंदर इंट्रा मोलिकुलर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। देन इन सॉलिड में मैक्सिमम होता है, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड या बट मिनिमम इन गैस, मिनिमम गैस में मिनिमम होता है, ओके, और लेस उसमें भी होता है, या लिक्विड में भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लिटिल बिट लेस। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सो ये भी आपको बताता हूँ मैं, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, या नाउ बेटर, एक्चुअली कैमरा शिफ्ट करना पड़ता है, या नाउ बेटर। सो वी विल डिस्कस, दिस इज़ अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ मैटर वन स्टेट टू अनदर एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट बाय अल्टरिंग द ओरिजिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट वॉज बॉइलिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इंटू वेपर्स, लिक्विड का वेपर में बदलना बाय हीटिंग इज कॉल्ड, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, एक प्रोसेस जो कि लिक्विड को कन्वर्ट करता है वेपर में गर्म करने के दौरान, हीटिंग करने के दौरान, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू वेपर ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर कोई इस डिफाइन को लिखना चाहे
तो ये बुक का जरिए मैं डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप इजीली नोट्स भी बना पाएँ और इजीली हम आपको समझा भी पाएँ। आई होप ये आपके काफ़ी काम आएगा और आपको इधर उधर 10 वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, काफ़ी जल्दी आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि ये मैटर चैप्टर मैंने जो स्टार्ट किया उसमें आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, मैटर क्या है, ठीक है, टू और मोर स्टेट ऑफ मैटर क्या है, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं समझते जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज बिकॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, क्योंकि उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर लो होता है, हैंस फूड टेक्स मोर टाइम फॉर कुकिंग एट हायर एल्टीट्यूड। सिमिलरली इन प्रेशर कुकर फूड कुक्स अर्ली ड्यू टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट वेट, या इज दिस लुक वेरी वेल। सो मेल्टिंग पॉइंट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ सॉलिड इंटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जो कि किसी भी सॉलिड पदार्थ को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इंटू लिक्विड सॉरी बाई हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब जब भी हम किसी किसी सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर क्या हो जाता है, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, देन वी कैन ईजली से मेल्टिंग पॉइंट, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट और होता है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर एट द विच अ सॉलिड स्टेट टू कन्वर्ट इंटू अ लिक्विड, ये देखिए ये भी लिखा है, एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टेट टू कन्वर्ट इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो आप समझते ही होंगे भाई, बचपन से ही पढ़ा है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉलिड सो दैट इट कन्वर्ट डायरेक्टली इंटू गैस। मतलब कि सब्लिमेशन वो होता है कि जब भी हम ऐसे किसी सॉलिड को गर्म करते हैं जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। फ्रीजिंग किसको कहते हैं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है नेप्थिलीन कैम्फोर, ओके। सब्लिमेशन में जैसे कि वो भी आ सकता है लाइक गैस में कन्वर्ट होना, जैसे कि वो ये पूजा पाठ जो करते हैं ना भाई, क्या यूज़ करते हैं उसमें, एक्चुअली कपूर शायद, मे बी कपूर, ओके मे बी कपूर सब्लिमेशन में आ जाएगा क्योंकि सॉलिड होता है, गैस में डायरेक्टली चेंज होता है उस जलने के बाद, हीट करने के बाद। सो फ्रीजिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। फ्रीजिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये एक प्रोसेस होता है कन्वर्जन का जो कि लिक्विड को सॉलिड में बदलता है, लाइक आइस, आइस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से, वो आइस, ओके। सो कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इंटू लिक्विड, आइस को मतलब फ्रीज, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में भी बदला जा सकता है एट द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सॉलिड इंटू लिक्विड। और देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मतलब कि सिंपल सी बात करें तो फ्रीजिंग वो होता है भाई, जैसे सिंपल लिक्विड वाटर को हम फ्रीज कर सकते हैं उसके टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है, लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है तो फ्रीज हो जाता है, और सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है तो भाई कहीं ना कहीं मेल्टिंग में आ जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इंटू सॉलिड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट देन एंड मेल्टिंग इज द एंड अनदर फॉर्म मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इंटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। नाउ एवोपरेशन, इसमें आपके देखिए चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आज मैंने इस वीडियो काफ़ी थोड़ा लॉन्ग है बट इसके जरिए मैं आपका लगभग लगभग पार्ट क्लियर कर रहा हूँ, मतलब लगभग लगभग पार्ट के साथ कि मैं आपको मतलब पॉइंट बाई पॉइंट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है, एवोपरेशन में मतलब डिटेल में आपको बता रहा हूँ एवोपरेशन, और आपको नोट्स भी इजीली यहाँ से बना पाओगे आप, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ना भाई। अभी मैं लिखने में टाइम वेस्ट करता, मतलब मैं अगर अलग से कहीं से लिखता तो काफ़ी टाइम जाता। एवोपरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, एवोपरेशन क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, जो कि लिक्विड को चेंज मतलब ट्रांसफॉर्म करता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है कहाँ, वेपर की फॉर्म में एनी टेम्परेचर, वाइल बॉइलिंग इज द कन्वर्सन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर। मतलब किसी भी चीज़ को जब हम जैसे गर्म करते हैं, गर्म हुई वो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड इनटू और अचानक गर्म होके वो भाप में बदल गई, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, एवोपरेशन वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक एक बॉइलिंग पॉइंट तक, एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पर जाने के बाद उसमें मतलब भाप उड़ना शुरू हो गया तो एवोपरेशन होने लगा, जो कि ठीक है। एवोपरेशन कॉज कूलिंग एज लिक्विड
टेक्स एनर्जी इवेपोरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि भाई मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो लाइक समुद्र आपने सुना होगा, तो समुद्र में इवेपोरेशन भाई कैसे होता है भाई, कहीं ना कहीं मतलब इवेपोरेशन चीज़ क्या है कि गर्मी जब बेहद पड़ती है, या फिर गर्मी कहें, या फिर अगर सिंपल सी भाषा में आपको मतलब समझाएं इधर उधर का एग्जांपल ना देते हुए, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू पेपर एट एनी टेम्परेचर, वाइल बॉइलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू पेपर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसकी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट तक जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप बनती है देन उसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू बॉडी आइदर इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हीट सप्लाई होती है आइदर इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डजेंट चेंज और बॉडी उसको और बॉडी और बॉडी चेंज नहीं होती है। इन दिस कंडीशन हीट इज सप्लाई टू द बॉडी इज यूज अप इन चेंजिंग इट्स स्टेट एंड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब समझे आप, लेटेंट हीट हम उसको वह होता है जो ऐसे कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे ना मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो ना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो एट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डजेंट चेंज और बॉडी बॉडी में कोई बदलाव ना आए डजेंट चेंज। इन दिस कंडीशन हीट सप्लाई टू द बॉडी इज यूज अप इन चेंजिंग स्टेट एंड इट्स कॉल्ड लेटेंट, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट का फॉर्मूला है क्वान्टिटी ऑफ हीट क्यू अपॉन मास इट्स एस आई यूनिट जे के माइनस वन जे के इनवर्स। ओके नाउ जस्ट वेट या दिस बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग एलिमेंट। यू नो एलिमेंट, एलिमेंट तो आप समझ ही चुके होंगे यूनिवर्स में मतलब द टर्म एलिमेंट कहाँ से लिया गया, द टर्म एलिमेंट वॉज यूज बाय रॉबर्ट बॉयले इन 1661। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का एक छोटा सा फॉर्म है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 118 एलिमेंट हैं, उनमें से 98 ओपन इन नेचर जो कि नेचर में होते हैं 98 एलिमेंट। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, देर आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड कैसे बनता है, टू और मोर एलिमेंट को कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो में, तो ये क्या होता है कंपाउंड। दे आर ये नाउ दीज आर द डिफाइंस, हैव यू लुक, दीज आर द मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। अ कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड इन टू इट्स कंपाउंड बाई फिजिकल मेथड। मतलब कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिला के जो हम बनाते हैं उसे कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि भाई एन ए ले लिया, हाइड्रोजन ले ली, कुछ कंपाउंड बनता है ना, तो किसी दो एलिमेंट को लेके फिर उसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते, बिकॉज केमिकल में जो एलिमेंट्स के जरिए मिक्स, दो एलिमेंट्स को मिक्स करने के बाद कोई कंपाउंड बनता है उसको हम इजिली आई डजेंट चेंज वाइल एनी फिजिकल मेथड, बिकॉज दे आर ब्रेक बाई केमिकली या बाई केमिकल रिएक्शन, नॉट इवन फिजिकल रिएक्शन। नाउ मिक्सचर, व्हाट्स अबाउट मिक्सचर, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज अ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ रेशियो। मिक्सचर क्या होता है, जैसे कि भाई किसी कोई दो चीज़ें कोई दो पदार्थ आपस में मिक्स हो जाएँ, when two liquid and solid when two or more substance to combine each other and to form each other and to create a new form that's the new form is called as mixture. Okay de bhai video ko skip mat kariyega bas, theek hai, main bhai kafi mehnat kar raha hu, aap bhi please mehnat kariye. A mixture is a substance which is made up of two or more element or compound chemically compound. हाँ वो बात अलग है, मैं एक बुक का प्रेफरेंस ले लूँ बिकॉज आपकी सहूलियत है इसमें, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही बता दूंगा भाई। मिक्सचर जैसे मैं अभी मिक्सचर बोलने से पहले ही मैंने पढ़ के बताया कि भाई मिक्सचर क्या होता, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं। दिस कैन बी सेपरेटेड लाइक फिर से पढ़ दे रहा हूँ, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड केमिकली कंपाउंड टुगेदर इन अ रेशियो, सो नो डेफिनेट फार्मूला। मिक्सचर में कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता। दिस कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल मेथड। अ मिक्सचर डजेंट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर का एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट एंड सो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो व्हाट्स अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूशन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, एग्जाम्पल
होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे हम, लाइक अ सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। क्यों होमोजीनियस मिक्सचर क्यों? अब भाई शुगर है तो दूध में मिला देंगे या कहीं भी कर देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है ना भाई, कहीं भी मिल जाएंगे ना एयर, दिस आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस या यूँ कहें कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जैसे कि यह एक ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे कि सॉल्ट है भाई, एक प्योर सॉल्यूशन, प्योर होमोजीनियस है। हेटरोजीनियस क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कॉन्स्टेंट डजेंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे मे और मे नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे एग्जिबिट किंडल इफेक्ट। कोलोडियल सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ या व्हेन टू और मोर देन लिक्विड मिक्स टू ईच अदर देन वी आर इजली कॉल्ड एज हाइड्रोजीनियस। एंड होमोजीनियस बात करें तो दूध है या फिर कोई और पेस्ट है कुछ है, मतलब इन डिफरेंट मैनर कोई भी एक लिक्विड है जो कि एक सिंपल फॉर्म में। सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट, इट्स मतलब कि हेटरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर आप समझ चुके होंगे। हेटरोजीनियस मिक्सचर में भाई कोई दो लिक्विड भी मिला सकते हैं, मिक्स करके हेटरोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, जैसे कि दूध में शक्कर डाल दिया, ठीक है, या दूध में चीनी, तो ये भाई हेटरोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा कहीं ना कहीं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि प्योर फॉर्म में हो, सॉलिड प्योर लिक्विड फॉर्म में हो होमोजीनियस मिक्सचर केवल एक। नाउ आई थिंक वीडियो इज टू लॉन्ग, सो जस्ट अ सेकेंड, मेरे को लग रहा है कि एक में तो कन्वर्ट भाई काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आई थिंक जस्ट अ वेट। हेलो एवरीवन, आई थिंक मोस्टली पार्ट कवर्ड बाय टुडे इन दिस वीडियो। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें मैटर मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड मैं स्लाइड बाय स्लाइड आप इजीली पढ़ते जाइएगा, जैसे कि मैं आपको समझाता भी गया हूँ, और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो कम्प्लीटली आपका मैटर थ्योरी, एक्चुअली थ्योरी पार्ट तो आपका लगभग मोस्टली कवर हो ही गया है इसमें, ठीक है। बाकी आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम एग्जाम